हेलो गाइस, इसको बोलते हैं प्रकृति भवन। ये दुनिया का मेरे सबसे पहला नहीं, मेरा खुद का सबसे पहला ब्लॉग है, दुनिया का नहीं। इसको बोलते हैं प्रकृति भवन, इसका नाम दिया गया। लेकिन इसको बोलेंगे तो सेंटर पार्क ही बोलेंगे, क्योंकि सेंटर में, गंसूरी के सेंटर में तो नहीं बनाया, लेकिन स्टेशन के अपोजिट साइड में इसको बोलते बना गया है। ये तो देखते इसमें क्या क्या है नया, कुछ है अपने घूमने लायक, मतलब देखने लायक है, बहुत सारा है। मैं आपको आगे दिखाता जाऊंगा। ये रहा इसका, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये सिर लग रहा है, ब्लैक कलर का, जो कि ये फाइबर से बना हुआ है, इसको काला कलर दिया हो गया है। और ये है बैठने के लिए, हर जगह घूमने के लिए, हर जगह साइकिलिंग करने के लिए बहुत सारी जगह है। इसका नाम है प्रकृति भवन। तो ये है सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल का सिर लगा हुआ है। ये बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। वो देखो सामने सब लड़कियाँ वगैरह, औरतें वगैरह फ़ोटो खींच रही है, वीडियो कॉल कर रहे हैं, हर जगह बैठे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है, क्योंकि भाई नया नया खुला है तो यार नया नया जोश रहेगा ही। ये रहा सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल की सिर लग रहा है, सिर है ये। मैं इसको छू के देखा, ये मुझे लगा पत्थर का है क्या, पत्थर का तो नहीं है, लेकिन ये तो अपना फाइबर का, जो फाइबर ग्लास होता है मेरे ख्याल से उसका है, उसको मस्त बनाया लेकिन एकदम। और ये रहे पेड़ पौधे या फिर आदमी लोग घूम रहे, सामने है बच्चे लोग के लिए गार्डन है, स्लाइड वगैरह है या फिर अलग अलग है, दिखाओ तो मैं आपको आगे जाके। तो ये है बैठने के लिए या फ़ोटो खींचने के लिए, और ये सामने है स्केटिंग करने के लिए, आपको दिखाता जाऊँगा आगे। ये रहा, ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, ये जहाँ से एंट्री होती ना वहाँ का, ये यहाँ पे सब मस्त पेड़ पौधे लगे हुए। मेरे ख्याल से ये जो सामने दिख रहे हैं वो है स्टॉल, मतलब फ्यूचर में लगता है स्टॉल बनेंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी चार है और उस साइड में चार है। और ये रहा आगे आगे जाने के रास्ता, इसमें है स्विमिंग पूल, वो अभी खुला नहीं है। तो यहाँ पे बाहर फोटोग्राफ्स वगैरह लगे हुए हैं, क्या क्या खेल सकते हैं क्या क्या नहीं, सब जगह ग्राउंड है आता मस्त एकदम। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है मस्त। यहाँ पे फोटोग्राफ बनी हुए है, कलर पेंटिंग मस्त किया, जो भी किया कारा के एकदम मस्त है। और थोड़ा आगे जाते ये मस्त पेड़ एकदम खिला खिला, कौन सा पेड़ लगे मालूम नहीं है लेकिन है। और आगे है टेनिस ग्राउंड दिख रहा है आगे लेफ्ट साइड में। ये इसके अंदर जो सामने रास्ता है, इसके अंदर जाने के लिए वो स्विमिंग पूल का। और ये रहा टेनिस ग्राउंड, और ये रहा बच्चे लोग का खेलने के लिए चीज़। और ये रहा सामने मैप है, बाजू में दिख रहा है, ये ग्राउंड है बच्चे लोग खेलने के लिए, इसमें स्लाइड्स वगैरह है, झूले है और बहुत सारी चीज़ें है। मैं अंदर तो ज़्यादा गया नहीं हूँ क्योंकि बहुत क्राउड था, अभी तो नहीं दिख रहा क्योंकि वीडियो शूट कर रहा हूँ इसके लिए। ये देखो जहाँ पे सामने जा रहा हूँ मैं, इसके लिए देखने के लिए क्या क्या है क्या क्या नहीं है अंतर। बच्चे लोग खेल तो रहे बहुत सारे यार, वो अभी तो देखा जाए तो 2 दिन पहले खुला है, संडे था उस दिन, संडे के दिन बहुत क्राउड था, बहुत मतलब बहुत मस्त। यहाँ बच्चे लोग खेल रहे हैं, सेल्फी वगैरह निकाल रहे हैं, खेल रहे, मस्त मज़ा आ रहा है सब लोगों को। मुझे यह बात अच्छी लगी क्योंकि हर जगह डस्टबिन दिए गए हैं, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान हर जगह चले, तो वो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है हर जगह पे। क्योंकि कोई भी आएगा पार्क में तो यार सब लोग कचरा वगैरह फैला देते हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कचरा साफ़ करने वाले तो यार वो भी इंसान है आखिरकार, तो इसके लिए उन लोग को दिया गया। तभी भी देखा जाएगा तो स्वच्छ अभियान बोलेगा तो बहुत हाइजीन रखा हुआ है, एकदम साफ़ सुथरा रखा हुआ है। ये पेड़ पौधे मस्त, हर जगह हरियाली लगी हुई है हर जगह, ये अच्छा किया गया है स्वच्छ भारत अभियान की जगह, आदमी लोगों ने मस्त एकदम किया गया है। और ये रहा अलग अलग पौधे मस्त एकदम। और आगे थोड़ा जाते हैं, आगे यहाँ पे एक भूलभुलैया है इसके आगे साइड में, उधर भी जाते हैं। तो ये रही भूलभुलैया, यहाँ पे देखो अभी बच्चे लोग कैसे खेलते हैं एकदम मस्त एकदम। तो उससे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे स्टैचू बने हुए हैं अलग अलग, जो कि एक लेडीज़ है, उसके उसके पीछे बच्चे चल रहे हैं, जिसकी ओ, ये क्या बोलते हैं इसको, वायलिन, वायलिन बजा रही है, देखे देखिए वो देख सकते हैं आप। और ये रहा सामने है, देखो सामने, देखो सामने, देखते चलो देखते चलो। यहाँ पे रोलर स्कोट क्या बोलते हैं वो, स्केटिंग करने के लिए नहीं, क्या रहता है वो स्केटबोर्ड वगैरह और स्केटिंग, अलग बच्चा देखो कैसा घूम रहा है, अकेला घूम रहा है। साइकिलिंग करने के लिए भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर ये स्केटिंग करने के लिए बनाया गया है, इसको अलग से बनाया गया है, जैसे कि या फिर टूर्नामेंट हो सकते हैं या फिर प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग जगह।
देखो मस्त पेड़ पौधे मस्त एकदम हर जगह हरियाली ही हरियाली है। और थोड़ा आगे जाते देखते ये भी देखो, ये भी पेड़ पौधे मस्त है। ये रहा अपना भूलभुलैया, ये मस्त एक मस्त बनाया एकदम खतरनाक एकदम। अभी चलते आगे अंदर जाते देखते को कहाँ तक जा सकते हैं, सीधा चलते जाएंगे जल्दी। ये देखो बच्चे मस्त खेल रहे हैं, ये रहे माँ ये बोलते हैं ना आपको, जैसे बच्चे लोग दिखेंगे तो यार फैमिली भी बच्चे बच जाएंगे। अभी इसका पापा भी आएगा, पापा भी खेलेंगे देखो अभी आएंगे अभी। ये देखो ऊपर का बैठा है कोई 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 ना कोई, या यार बच्चे लोग आए एकदम मस्त खेलने के लिए एकदम। ये देखो ये पापा और उसकी बेटी खेल रहे हैं, क्या करेंगे यार। देखो मस्त एकदम मस्त चल रहा है एकदम खाई सही से एकदम। हाँ जितना भी बोला जाए पार्क के लिए उतना कम ही है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्क बनाया है या फिर जो कुछ किया गया वो सही तरह से एकदम मज़ेदार किया गया है, जैसे कि फैमिली को भी अच्छा लगे यार घूमने के लिए यहाँ पे। और ये रहा स्टैचू है, ये आपस में बातें कर रहे कुछ अलग से, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, आप यहाँ क्या कर रहे हो, भाई मैं तो यहाँ घूमने आई हूँ, ये ऐसे आपस में बात कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो अभी कला ये वाला जो व्लॉग है अभी ख़त्म कर देते हैं। जिसको भी पसंद आया वो चैनल को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो भी नए है और बेल आइकन को दबा दे, ऐसी रोज़ वीडियो और या व्लॉग्स वगैरह अपने गेमिंग चैनल उस पर पोस्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए बाय बाय गाइस एंड गुड बाय।